देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट कौन सा है आपका? रैशनल नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है अपना? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के बारे में अपन ने स्टडी की थी क्या? अपना जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट क्लास थी इस सेशन की, उसमें अपन नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी की थी क्या? नंबर सिस्टम के बारे में राहुल, आदित्य, मोनिका, रोहित, रोशनी, नो सर, नो सर, नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी नो की थी क्या अपन? नंबर सिस्टम के बारे में? सर, सर, अच्छा, बिल्कुल भी स्टडी नहीं की नंबर सिस्टम के बारे में? सर, देखो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे? बेसिक से देख रहे अपने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में। चलो ये जो रैशनल नंबर है, जो अपना रैशनल नंबर है, ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का पार्ट है। बेटा अपना वीडियो ऑफ नंबर करो। सिस्टम का। नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना? अब देखो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम किससे बने हुए हैं? जो नंबर्स है अपने किससे बने हुए हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या है? डिजिट। क्या है? डिजिट्स। और डिजिट्स कौन कौन से हैं आदित्य? डिजिट्स कौन कौन से हैं बताओ एक बार, डिजिट्स कौन कौन से हैं? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ये सारे क्या है? डिजिट है। जीरो से लेकर के नाइन तक ये सारे डिजिट है, और इन डिजिट से क्या बनते हैं? नंबर्स बनते हैं। इन डिजिट से क्या बनते हैं? नंबर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स बनते हैं, ठीक है ना? जिसमें से फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 496, 496 ये आपका एक नंबर है। और कौन सा नंबर है? ये नेचुरल नंबर है। काउंटिंग कर सकते ना इसकी। फोर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 2.567, ये कौन सा नंबर है आपका? डेसिमल नंबर है। देखो 2, 5, 6 और 7 ये सारे डिजिट है, और ये डिजिट्स आपस में इंक्लूड होकर के क्या बना रहे हैं? एक नंबर, नंबर्स बना रहे हैं, ठीक है? कौन सा नंबर है? ये डेसिमल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट माइनस का 4, 3, 6, 7, ये भी आपका एक नंबर है। ये नेगेटिव में है, ये सारे पॉजिटिव में है। फॉर एग्जाम्पल 4/9, 4/9 ये भी क्या है? आपका एक नंबर है, ठीक है ना? इसी प्रकार रूट में 2, रूट में 2 ये भी आपका एक नंबर है। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है, ये किससे बने हुए हैं? डिजिट से मैंने बने हुए हैं, ठीक है ना? ये डिजिट से आपस में इंक्लूड होकर के क्या बना रहे हैं? नंबर। ठीक है, नंबर्स हो गए। अब इस नंबर्स को टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना? ये किस, क्या है अपना? ये नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम है। और ये जो नंबर्स है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है और इधर सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? रैशनल नंबर।
जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट कौन सा है अपना, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर क्या होगा इसकी डेफिनेशन, इरेशनल क्या होगा इसकी डेफिनेशन, रेशनल में कौन कौन से नंबर आएंगे उनके बारे में, इरेशनल में कौन से नंबर आएंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होगा, इन विच नंबर आर दिस फॉर्म, इन विच नंबर आर दिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा आपका, रेशनल नंबर होगा। और इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां पर पी एंड क्यू है ये दोनों ही क्या है आपके इंटीजर्स, दोनों ही क्या है आपके इंटीजर्स। अभी स्टडी करेंगे कि सर ये इंटीजर क्या होते हैं, तो अपन ने सेवंथ क्लास में स्टडी की थी, सिक्स क्लास में स्टडी की, अभी और स्टडी करेंगे इसकी। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं होते, यानी जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वो कौन से नंबर होंगे आपके, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। कैसे, जैसे यहाँ पे है आपका 1.3333 डॉट, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, यानी 3 के बाद में, पॉइंट के बाद में 3333 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद में 33 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर फिक्स है नहीं है, ये एक इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसको ये कौन सा नंबर होगा आपका, इरेशनल होगा। इसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, और p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट क्यों नहीं कर सके, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 1333 डॉट में डिवाइड में 1 लगाओगे, अब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, क्या ये कंफर्म है, क्या क्या ये कंफर्म है क्या कि पॉइंट के बाद में सिर्फ 4 डिजिट है। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब हुआ कि ये आगे तक भी क्या जा रहा है, नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नंबर फिक्स नहीं है, डॉट के यानी पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि नीचे डिवाइड में 1 लगाओगे, अब नीचे उसके बाद में कितनी जीरो लगाओगे, यहाँ पे कितनी जीरो लगाओगे, जितनी नंबर्स होंगे तो कितने नंबर्स हैं क्या आपको पता है, नहीं। तो अपन इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सके, तो वो कौन सा नंबर होगा आपका, इरेशनल, जिस नंबर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2.5 है, 2.5 है, अब ये जो 2.5 है तो क्या मैं इसको रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, यस कर सकते हैं सर। कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 और नीचे क्या लगाओगे, डिवाइड में 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 10 आ गई, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, तो ये नंबर कौन सा हो गया आपका, रेशनल। तो जिस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सके, जिस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सके, लेकिन कंडीशन क्या होगी, q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, p और q ये दोनों ही क्या है आपके, इंटीजर्स है। अभी फिर बाद में इसकी डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार बस यहाँ तक कभी कन्फर्म है। अब जो आपका इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स क्या होंगे, तो जो आपका ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इस रेशनल नंबर को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, किसको, रेशनल नंबर को। 2 पार्ट कौन कौन सा है, एक तो है आपका इंटीजर, कौन सा है आपका, कौन सा है, इंटीजर नंबर, और एक कौन सा है आपका, फ्रैक्शन नंबर। एक तो है फ्रैक्शन नंबर और एक कौन सा है आपका, इंटीजर नंबर। देखो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर नंबर क्या होगा, जो नंबर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के नंबर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स का होगा, किसका होगा, इंटीजर्स का। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे माइनस इंफिनिटी,
dot 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 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 dot 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 plus का infinity. इस प्रकार का जो सेट है, इस प्रकार का जो सेट है वो किसका होगा? इंटीजर्स का सेट होगा. किसका सेट होगा? आपका इंटीजर का सेट होगा, ठीक है ना. तो इंटीजर माइनस माइनस के नंबर, यानी जो आपके नंबर प्लस में हैं उनको किस में निनोट करेंगे? माइनस के अंदर भी. तो माइनस और प्लस और साथ में कौन इंक्लूड होगा? जीरो भी इंक्लूड होगा. तो इस प्रकार का जो एक सेट है वो किसका सेट होगा? आपका इंटीजर्स का सेट होगा, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल देखो, 4/9, इसमें दो नंबर पॉजिटिव में है. यहाँ पर ये भी तो कह सकता हूं ना मैं कि माइनस का 4/9, तो बताओ इंटीजर भी है कि नहीं है इसमें. माइनस 4 और 9 दोनों इंटीजर है, ये पॉजिटिव में है और ये किस में है? नेगेटिव में है. नेक्स्ट देखो, जो आपका फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को भी की डेफिनेशन क्या होगी? आपने सेवन क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन सेकेंड चैप्टर में, कि जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, वो नंबर कौन सा होगा? आपका फ्रैक्शन नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 4/5. अब फ्रैक्शन को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तो वो सारे फ्रैक्शन के पार्ट है, ठीक है. अब देखो जो इंटीजर्स है, अब इस इंटीजर्स में ये सारे नंबर कौन से हैं? पॉजिटिव में. ये सारे नंबर कौन से हैं? नेगेटिव में, ठीक है ना. तो इस इंटीजर्स को अगेन फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है. कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है. तो सभी स्टूडेंट एक बार अपना वीडियो ऑन करके जो मैं बता रहा हूं उसको एक बार अपने फेयर रफ नोटबुक में ऐसा का ऐसा चार्ट बनाना है सबको. सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें और जो मैं बोर्ड पे अपना चार्ट बना रहा हूँ वो आपको सबको बनाना है, ठीक. कौन किसके कितने पार्ट है उसके बाद में अपन स्टडी करेंगे किसकी? रैशनल नंबर की, ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? डिजिट्स. और डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्या है? अपने डिजिट्स है. और इन डिजिट्स से क्या बने हुए हैं? नंबर्स. क्या बने हुए हैं? नंबर्स. अब नंबर्स कौन कौन से हैं? नंबर्स कौन कौन से हैं? 496 माइनस का 346 और यहाँ पे 4/5, यहाँ पे 2.56, फिर यहाँ पे रूट में 23, ये डॉट डॉट डॉट, ये सारे किसके नंबर्स है? नंबर्स के, यानी डिजिट्स सब में. और डिजिट्स आपस में मिलकर के इंक्लूड होकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बना क्या बना रहे हैं? नंबर्स बना रहे हैं. अब जो आपका नंबर्स है, इस नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है अपन ने? टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है. कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको? टू पार्ट में, जिसमें से फर्स्ट पार्ट कौन सा है? अपना रैशनल नंबर. और हर नंबर्स के नीचे आपको टू लाइन ब्रेक करनी छोड़नी है, ठीक है ना. दो दो लाइन छोड़नी और फिर चार्ट बनाना कंप्लीट. देखो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और इधर है आपका इरेशनल नंबर. आइड इरेशनल नंबर, ठीक है. इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? अभी शॉर्ट्स में लिखा रहा हूं, शॉर्ट में ना, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो. और यहाँ पर P एंड Q, कौन? P एंड Q, ये दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर्स. दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर्स, ठीक है. और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सके,
इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, माइनस का 4/5, 3/2, 2.56, रूट में 4, देखो रूट में 4 है यहाँ पे, अभी समझाऊंगा बट बाद में, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, रूट में 4, फिर नेक्स्ट है ओनली 15, ओनली 15, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है ना, तो इसके डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो ये ओनली 15, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 0, 0 भी क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है, 0 भी क्या है आपका, रेशनल नंबर है, और 0 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि अपन अरे डिवाइड में तो 0 नहीं लगा सकते, यानी क्यों, यानी 1/, यानी यहीं तो 0 नहीं लगा सकते ना, ऊपर तो 0 आ ही सकता है ना आपका, तो यहां पे हो जाएगा आपका 0/1, 0/1 क्या नहीं हो सकता, 1/0 तो नहीं हो सकता, 0/1 तो हो सकता है ना, तो आपका ओनली केवल कौन सा, 0 भी क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है 2.333 डॉट, एक एग्जाम्पल दिया गया पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.147 डॉट, एक ही होती है, ठीक है। रूट टू, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव डॉट, ये भी है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा प्रॉपर, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जो स्क्वायर रूट नहीं है वो नंबर कौन से है आपके, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। जैसे इसका स्क्वायर रूट, टू का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा, इसका भी पॉइंटों में आएगा, इसका भी पॉइंटों में आएगा, और जो आएगा उनकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्या होगी उनकी वैल्यू, इनफाइनाइट होगी, तो वो कौन से होंगे आपके, देखो यहाँ पे रूट फोर है, रूट फोर है, तो रूट फोर यानी इसका स्क्वायर रूट, किसका, फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, राहुल बेटा फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16, फोर का स्क्वायर रूट, बेटा मैं स्क्वायर रूट पूछ रहा हूँ, देखो एक तो होता है फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर क्या होता है 16, आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे फोर का रूट पूछ रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वेरी गुड, टू, जैसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नंबर होगा आपका, रेशनल, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर आपका जो रेशनल नंबर है, अगेन इसको फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको, टू पार्ट में, और इसके टू पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका कौन, इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर, और एक है आपका कौन सा, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना। अब इंटीजर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच के जो नंबर होंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे आपके, इंटीजर्स नंबर होंगे। इसके एग्जांपल देखो, माइनस इंफिनिटी डॉट माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 डॉट प्लस का इंफिनिटी, ये लो, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो ग्रुप होगा, पेयर होगा, सब नंबर्स का सेट होगा, वो कौन से नंबर्स का होगा आपका, इंटीजर का होगा। फ्रैक्शन जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वो कौन सा नंबर होगा आपका, फ्रैक्शन नंबर होगा। एनी डाउट यहां तक। नेक्स्ट देखो,
इसके एग्जांपल भी नोट कर सकते हो आप, 4/5। ध्यान रखना इसमें जो भी नंबर है सारे पॉजिटिव में, देखो एक बार 6/3, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट इंटीजर, इस इंटीजर्स को फिर अगेन में कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको, टू पार्ट में। और टू पार्ट कौन कौन से हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और एक कौन सा है, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको शो नहीं कर रहा भी, किस किस को, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। आपको पता होना चाहिए अगर किसी नंबर के आगे नेगेटिव का साइन होगा तो नेगेटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर के आगे अगर पॉजिटिव का साइन हो या नहीं हो तो वो कौन सा होगा, वा पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट कौन सा है, नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। और एक है आपका कौन सा नंबर, वोल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होगा और वोल नंबर क्या होगा, इन विच नंबर आर काउंटेबल, इन विच नंबर आर काउंटेबल, जिस नंबर के अपन क्या कर सके, काउंटिंग कर सकते हैं, वो नंबर कौन सा होगा आपका, नेचुरल नंबर होगा। एग्जांपल देखो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये सारे कौन से नंबर है आपके, नेचुरल नंबर है, क्योंकि काउंटेबल नंबर है जहां तक अपन काउंटिंग कर सके। वो नंबर क्या होगा, जो आपका नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में केवल क्या इंक्लूड कर दोगे, जीरो इंक्लूड कर दोगे, और जीरो इंक्लूड करने पर जो सेट बनेगा वो किसका सेट होगा, वो नंबर का सेट होगा, ठीक है। तो यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये लो, तो ये हो गया आपके नेचुरल नंबर, और क्या हो गया आपका, वोल नंबर, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, इन विच आर नंबर आर काउंटेबल, और जो काउंटेबल नंबर है उनमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, वोल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, जो नेचुरल नंबर है इसको भी फाइव पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कितने पार्ट में, फाइव पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, इवन नंबर। यहां सबको दिख रहा है क्या, ये सबको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या सबको, जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एनीवन कोई भी रिप्लाई दे दिया करो, दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है इवन नंबर, यहाँ पर फिर आपका ओड नंबर, फिर है आपका कंपोजिट नंबर, और फिर है आपका प्राइम नंबर, और फिर है आपका को प्राइम नंबर। तो ये है इसके फाइव पार्ट, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। तो कितने पार्ट हो गए इसके, फाइव पार्ट। सबसे पहले इवन नंबर क्या होगा, सबसे पहले अपना इवन नंबर क्या होगा, तो एनीवन कोई भी बता सकता है इवन नंबर क्या होगा, 2, 4, 6, 8 इन विच नंबर आर डिविजिबल बाई टू, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाई टू, जो नंबर टू से डिविजिबल होंगे वो कौन से नंबर होंगे सारे आपके, इवन नंबर होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखो इसका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, जो नंबर टू से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर कौन से होंगे आपके, इवन नंबर होंगे। और जो टू से डिविजिबल नहीं है, जो टू से डिविजिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या है, वन से डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर वन से डिविजिबल होगा वो, जो नंबर टू से डिविजिबल होगा वो आपका इवन नंबर होगा, और जो नंबर टू से डिविजिबल नहीं होगा वो कौन सा होगा आपका, ओड नंबर होगा। ओड नंबर, एनी डाउट किसी को यहाँ तक। अब नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा कि जो नंबर इन विच नंबर आर डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड अदर नंबर, इसकी डेफिनेशन सुनी आपने क्या है, कि जो नंबर इट सेल्फ एंड अदर नंबर, यानी स्वयं से भी डिविजिबल होगा और अदर नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो वो नंबर कौन सा होगा आपका,
कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। फोर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है फोर, ये फोर किससे डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है कि नहीं है, फोर से भी डिविजिबल है और टू से भी डिविजिबल है। यानी मैंने आपसे क्या बोला भी, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाई इट सेल्फ, यानी खुद से भी डिविजिबल है, सेम से भी डिविजिबल है और अदर नंबर किससे, टू से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर कौन सा है आपका, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिक्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल एट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइन, देखो नाइन भी कंपोजिट नंबर है, नाइन यहाँ पे ओड नंबर है लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है, कंपोजिट, क्यों, क्योंकि किससे डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ खुद से भी क्या है, डिविजिबल है। आगे देखो टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन, एटीन, ट्वेंटी, सॉरी सिक्सटीन भी आएगा बीच में, सिक्सटीन, एटीन और ट्वेंटी, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे नंबर है जो डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड अदर नंबर, जो नंबर स्वयं से भी और किसी अन्य नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर कौन सा होगा आपका, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, कौन सा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर, ये इसकी डेफिनेशन होगी, इन विच नंबर आर डिविजिबल बाय ओनली और ओनली इटसेल्फ, जो नंबर केवल स्वयं से ही डिविजिबल होंगे तो वो नंबर कौन सा होगा आपका, प्राइम नंबर होगा। जो नंबर केवल इटसेल्फ, ओनली और ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जांपल देखो इसके, एग्जांपल जैसे टू है, टू केवल टू से डिविजिबल है, अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। थ्री, थ्री भी क्या है, केवल थ्री से डिविजिबल है, अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। आगे कौन सा, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, थर्टीन के बाद में सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो ओनली और ओनली क्या है, खुद से ही क्या है, डिविजिबल है। तो इन विच नंबर आर डिविजिबल ओनली इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नेक्स्ट है अपना कौन सा, को प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर क्या होगा, इसमें टू नंबर एक साथ होंगे, टू नंबर का एक पेयर, जैसे यहाँ पे टू और थ्री, ये टू नंबर हो गए कौन कौन, टू और थ्री, तो ये एक पेयर हो गया, कौन कौन नंबर है, टू और थ्री है, तो टू पेयर यानी टू नंबर, टू डिजिट या टू नंबर बोल दो आप, उनका HCF वन होगा, उनका HCF क्या होगा, वन होगा। तो यहां से A एंड B, ये टू नंबर है कौन कौन, A एंड B ये टू नंबर है, इन टू नंबर्स का HCF, इन टू नंबर का HCF क्या होगा, वन होगा। तो ये दोनों नंबर कौन कौन से, टू और A और B, ये दोनों नंबर क्या होंगे आपके, को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे आपके, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, इसके एग्जाम्पल नोट करना एक बार, जैसे यहां पे लिखा हुआ है टू और थ्री, अरे HCF क्या होता है, HCF क्या होगा कि जो दोनों नंबर है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट कौन से नंबर से डिविजिबल है, कॉमन, यानी ये देखो ये किससे डिविजिबल है, वन से, ये किससे डिविजिबल है, वन से, तो इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो HCF क्या होगा, क्या होगा इन दोनों का HCF, वन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे टू और सिक्स है, टू और सिक्स है, ये दोनों के दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, ये टू से, ये भी टू से डिविजिबल है, ये भी टू से डिविजिबल है, तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या हो गया, टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपके को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका HCF कितना आ रहा है, टू आ रहा है, जबकि को प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों जो नंबर है उनका HCF क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। जो बोर्ड पे चार्ट बना हुआ है, किसी को डाउट है क्या इसके अंदर, एनी डाउट किसी को भी, नो सर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है,
इनको एक नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है, ये आपकी लाइन है, क्या आपकी लाइन है, इस लाइन पे इन नंबरों को कैसे शो करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। वन कहां पर होगा, टू कहां होगा, माइनस का वन कहां होगा, माइनस का टू कहां होगा, थ्री अपॉन फाइव कहां होगा, माइनस का थ्री अपॉन फाइव कहां होगा। तो अपने को जो नंबर्स है उनको एक लाइन के ऊपर डिनोट करना आना चाहिए। अब सुनो, इस जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इसके में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता क्या है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, वन। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जीरो। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, टू। स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या होगा, वन। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, फोर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू। तो देखो एक टू ऐसा नंबर है, वो बाकी सारे नंबर है ना ओड नंबर है, बाकी सारे नंबर कौन से हैं, ओड। केवल एक ओनली टू एक ऐसा इवन नंबर है, टू एक ओनली ऐसा इवन नंबर है जो कौन सा नंबर में आ रहा है, प्राइम नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। देखो कंपोजिट नंबर में, तो कंपोजिट नंबर में ये भी इवन है, ये ओड है, ये भी ओड है, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर में केवल एक मात्र ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन है, टू, ठीक है ना, बाकी सारे कौन से हैं, ओड नंबर है। ये हो गया। अब जो आपका वन है, कौन वन, ये ना तो आपका कंपोजिट है और ना ही आपका क्या है, प्राइम नंबर है। वन ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्यों ऐसा, क्योंकि वन को किसी भी नंबर से, वन को किसी भी नंबर को, सॉरी किसी भी नंबर को अगर अपन वन से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 को अगर अपन वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को अगर वन से डिवाइड करते हैं तो वन ही आएगा। इसलिए वन ना तो आपका कंपोजिट नंबर है और ना ही आपका प्राइम नंबर है। सेम इसी अकॉर्डिंग जो जीरो है, ये जीरो ना तो आपका पॉजिटिव नंबर है और ना आपका नेगेटिव नंबर है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। जीरो एक क्या है, न्यूटन वैल्यू है। क्यों, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में प्लस और किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट करने पर सेम वही नंबर आएगा आपका। तो जीरो को क्या है, बोला गया पढ़ने, एक न्यूटन वैल्यू आ गया है, ठीक है। कंप्लीट, सबने नोट कर लिया अपनी कॉपी के अंदर? यस सर। अब देखो इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले अब सुनो, ये जितने भी सारे नंबर हैं, कौन से, ये सारे के सारे नंबर, ये सारे नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर है। तो अपन यहां से ये कह सकते हैं जो रैशनल नंबर है वो क्या नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है। लेकिन जितने भी सारे इंटीजर नंबर है वो क्या है, सारे आपके रैशनल नंबर है। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं लेकिन इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कंडीशन क्या है कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो क्या नहीं हो, वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है लेकिन इंटीजर क्या नहीं हो सकता, नेचुरल। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से, वन से, तो देखो इंटीजर में वन आ रहा है ना। सेम ऐसे ही जो आपका होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता लेकिन नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। क्यों, नेचुरल नंबर में क्या नहीं है, जीरो, जबकि होल नंबर में क्या आ रहा है, जीरो। तो ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर आर नॉट नेचुरल नंबर। सेम ऐसे ही ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर और होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सेम ऐसे यहां पे ऑल इंटीजर आर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, All integers are rational number, but all rational number are not integer. ठीक है, सभी rational number integer नहीं हो सकते लेकिन सभी integer क्या हो सकते हैं, rational number हो सकते हैं, ठीक है ना। अब next देखो इनको एक line के ऊपर कैसे denote करते हैं, फटाफट जल्दी से। सबसे पहले
एक लाइन तो आपकी ये है, एक लाइन तो आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, और एक लाइन आपकी ये है, ठीक है। नेचुरल लाइन क्या होगी, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से, तो ये हो गया आपका वन टू थ्री फोर डॉट डॉट, और यहां पर है आपका जीरो वन टू थ्री। देखो वोल नंबर नेचुरल, जो वोल नंबर लाइन है, यानी वोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से। नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो वन से स्टार्ट होंगे, तो जो इसके नंबर लाइन है वो क्या है आपकी, वन से स्टार्ट है। सेकंड, अब जो इंटीजर है, इंटीजर में बीच में क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, जीरो के इधर जो सारे नंबर है, इधर देखो जीरो के इधर सारे नंबर किसमें है, पॉजिटिव में है, और जीरो के इधर सारे नंबर किसमें है, नेगेटिव में है, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन है, ये आपकी इंटीजर की भी है और किसकी है, रैशनल नंबर की भी है, ठीक है। एनी डाउट किसी को? नो सर। तो ये है अपना बेसिक ओनली फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम के बारे में, किसके बारे में, ओनली नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। अब कल पढ़ेंगे अपन अपना जो चैप्टर है, कौन सा, रैशनल नंबर। ये जो चार्ट है ये आपके नोटबुक में ऐसा कैसे फेर होना चाहिए, ठीक है, बाकी कल करेंगे बात अपन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।